सोलन में ऑटो चालकों को लगी वर्दी, इस संदर्भ में आज आरटीओ कार्यालय सोलन में एक बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने आरटीओ सोलन के साथ की बैठक। वहां आरटीओ सोलन ने आदेश जारी करते हुए ऑटो चालकों को वर्दी पहनने के आदेश दिए। वहां एक माह का समय उन्हें दिया गया है। डार्क ब्लू पैंट व डार्क ब्लू शर्ट होगी ऑटो चालकों की वर्दी व बैच पहनना होगा अनिवार्य। आरटीओ सोलन गोपाल चंद शर्मा ने बताया कि ऑटो चालकों को वर्दी पहनने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक माह का समय उन्हें दिया गया है वर्दी सिलाने के लिए, उसके बाद उन्हें वर्दी पहनना बहुत ही जरूरी होगा और उसके साथ बैच लगाना भी आवश्यक होगा। उन्होंने कहा ऑटो रिक्शा वालों को एक ड्रेस कोड होना चाहिए, तो इसका रिगार्डिंग हमने हेडक्वार्टर से क्लैरिफिकेशन मांगा था और ये क्लैरिफिकेशन हमें मिल गया है। तो उसके संदर्भ में हमने एक मीटिंग आज यहाँ कॉल करी थी, जो हमारे स्टेक होल्डर है ऑटो के जो प्रतिनिधि है, ऑटो रिक्शा यूनियन के जो प्रतिनिधि है, तो उनको हमने यहाँ बुलाया था इसके रिगार्डिंग कि क्या हमें क्लैरिफिकेशन जो आया है। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये डिसीजन किया कि इनका जो ड्रेस कोड होगा वो डार्क ब्लू शर्ट होगा, डार्क ब्लू पैंट होगा, और उसके साथ जैसे विंटर सीजन है तो उसमें डार्क ब्लू जर्सी भी होगी, जैकेट या जर्सी जो भी है। तो वो अभी हमने 31 जनवरी तक टाइम दिया है, 31 जनवरी तक हमने कॉमन कंसेंट से टाइम दिया है कि तब तक ये जो है वो ड्रेस कोड को, ये जो ड्रेस है ये सिला दें। और इसके साथ साथ एक इनके बैच होगा एक, जिसमें जो ऑटो ऑनर होगा उसका नाम होगा और ऑटो का नंबर होगा, वो भी ये डिस्प्ले करेंगे। वहीं ऑटो यूनियन के प्रधान धर्मपाल ने कहा कि ये वर्दी उन पर थोपी जा रही है, जबकि कोई भी सरकारी ड्राइवर वर्दी नहीं पहनता है, उन्हें अब ये मजबूरन वर्दी पहननी पड़ेगी। उन्होंने कहा आज ऑटो यूनियन के एक हमारे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने एक बैठक रखी थी, हमारे को भी इसमें बुलाया था उन्होंने कि आपको इस बार ड्रेस लगी है, तो ड्रेस हमारी जो हमें ड्रेस दी गई वो बोले डार्क ब्लू शर्ट एंड पैंट रहेगी और ऐसी एक जर्सी रहेगी हमारे को। तो चलो हमने अभी इसके लिए एक महीने का टाइम लिया हुआ, लेकिन हम सरकार को ये बोलना चाह रहे हैं कि हम तो यहाँ लोकल चलते सारे, हमारे लिए क्या ड्रेस कोड होगा इतना, हम बाहर तो कभी चलते नहीं इतना और हमें इतनी ज़रूरत थी नहीं वैसे। चलो जब थोपी दी सरकार ने तो अब मानना तो पड़ेगा, हमें रोज़गार है, रोज़गार भी चलाना पड़ेगा अपना, लेकिन हम एक बार सरकार को जरूर इसके बारे में अवगत करवाएंगे। हमें चाहते हैं कि ये ड्रेस कोड, ये हमें ऑटो वालों को क्यों लगता, सारी कार्रवाई जो ऑटो वालों को हो रही है सोलन में, और भी सरकारी गाड़ियां हैं, किसी के कोई भी ड्राइवर ड्रेस नहीं पहनता है यहाँ पर, इन बिटवीन प्राइवेट बस वाले भी कोई नहीं पहन रहे, इनको भी बस कोड वो लगा हुआ, ड्रेस कोड लगा हुआ। चलो इसके बारे में भी हम लेटर लिखेंगे इनकी तरफ से।